अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। तो आज आपका भाई जा रहा है गाँव। मैं क्या कर रहा हूँ? आज आपका भाई जा रहा है गाँव। मैंने ये फ़ोन काफ़ी नाजुक जगह पर रखा हो, जबकि उन्होंने क्या तो काम इसका 25 होना। चलो खैर, मैं आपको बोर तो कर रहा हूँ, मुझे पता। अब खैर, आपको लेकर जा तो देखिएगा सर अगला शॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ रीजंस की वजह से आधा गाँव और मैं रात की मेरी टिकट है, मैं रात को वापसी जा रहा हूँ, तो आप से वहीं मुलाकात कर। हेलो भाई, हमारा आखिरी दिन है आज गाँव में, अभी जा रहे हैं हम टिकट करवाने। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये बाइक वाला चार्ज कितना हो गया भाई? वहाँ से पैदल जाना है काफ़ी दूर। चल बाप के भाई, में स्टेमिना है, क्या करें क्या करें। देखें बहुत दूर जाना भी। चलो पहुँच के बाद देखिए। हाँ भाई, तो हम लोग आ गए कराची और आज का जो ब्लॉग है ना, मतलब काफ़ी नहीं पर एक हद तक मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा असल में मैं हूँ कौन और क्यों मुझे ब्लॉगिंग का कीड़ा काटा। और आज जो है हमारी जो एक तरफा फेयरवेल है, फेयरवेल भी समझ लो कि गेट टुगेदर है, जो कि सारे क्लास फेलोज हैं। काफ़ी ऐसे ऐसे बातचीत नहीं हुई और मिलना जुलना नहीं हुआ, तो उसके लिए एक गेट टुगेदर प्लान किया हम लोगों ने। और उस पर मेरी असल कराची आने की वजह ही यही है कि गेट टुगेदर में शामिल होना था। तो अभी कुछ देर में चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन आ रहा है। हाँ तो भाई, आज मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। सो मैं बेसिकली हूँ कौन और क्यों मुझे ये ब्लॉगिंग का कीड़ा काटा, तो आज मैं वो इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं सिंधी स्पीकिंग और गांव के दो वडेरों खानदानों से बिलोंग करता हूँ। नहीं, यू कैन कॉल मी लाइक वडेरे का बेटा टाइप, बट आई एम नॉट दैट वन।
असल में मैं शुरुआत से नाना और दादा लोग से काफ़ी दूर रहा हूँ, तो उनका इम्पैक्ट मुझ पर ही पड़ा। और हमारी फैमिली की कहानी भी काफ़ीतर जैसे तमिल फिल्मों की नहीं होती, वो एक गांव के दो बड़े लोग और झगड़े वगैरह के साथ, तो कुछ उसी टाइप की थी। तो यही मेरा बायोडाटा था। और ये ब्लॉगिंग में घुसने का जो कीड़ा है ना, ये मुझे था तकरीबन 3 साल थे। 3 साल से कंटिन्यूस ये मेरा पेज भी है, तो ये पेज भी आप अगर होम पे जाके देखें, अबाउट में जाके देखें सॉरी, तो अबाउट में आपको उसकी ज्वाइंट की डेट मिलेगी। 2017 से मेरा पेज बना हुआ है, पर कभी भी इसका ना यूज़ में नहीं आया या मुझे टाइम नहीं मिला। तो जब मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट ईयर की, तो मैंने उसमें फुर्सत से काम करना शुरू किया है। इंशाल्लाह विल इम्प्रूव इट। और पहले ब्लॉग पे इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आज सोचा नहीं था कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलेंगे क्या कर रहे हो, और क्या काफ़ी सारों ने अप्रिशिएट किया कि अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू करो, और ऐसे ही मतलब बोला उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू जी, और थैंक यू सो मच। तो अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होकर बाहर चलता हूँ, तो आप मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ ना, तो तब तक आराम फरमाए आप भी आराम। और एक और बात कि मेरे ब्लॉगिंग करने में जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट और मदद जिसने की है ना, जिन्होंने की है, दो बंदे हैं जो मेरे पहले ब्लॉग में आते हैं, हफीज़ और अली। मेरा पहले तो वैसे ही मूड नहीं था, 2 साल से आज जब पेज बना हुआ तो कर क्यों नहीं रहता भाई, ये बोलने वाला आज तक कोई मिला नहीं था। और जब मिला ना तो आपका भाई शुरू हो गया, बस अब रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई देखे ना देखे, मेरा शौक है, मुझे पूरा करना है। तो इसीलिए आ गए। सो भाई, जो आपने सारी पिछली क्लिप्स देखी तो वो थी कल की। मैं कराची आ गया था, और खैर बहरहाल मैंने जो है वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं आप पब्लिक में शूट करना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से आपको जज तो ऐसे कर रहे होते, पता नहीं आप क्या कहीं किसी और प्लेनेट से आए हो। मैंने एक दो बार ट्राई किया वहाँ पे, पर एक दो बार कुछ इशू हो गए, और कुछ आगे हद तक बढ़ गई और कुछ सरेंडर किए। जब आपके साथ एक ग्रुप हो ना पूरा, और उसमें आपकी क्लासमेट्स की गर्ल्स भी हों, बॉयज़ भी, तो उसमें कुछ प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है ना। तो जाहिर सी बात है कि मैं ऑब्वियसली अपनी पूरी क्लास को तो ऑन स्क्रीन नहीं ला सकता, उसलिए कुछ वीडियोस नहीं डाली। अभी तो मैं जा रहा हूँ अली के घर, फिर इंशाल्लाह कोई सीन बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर सीन बनेगा, इंशाल्लाह कोई सीन बनाते हैं, और फिर हम लोग बाहर जाते हैं, आपको लेके जाएंगे भाई, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी हम आए हफीज के घर पे, आओ चेहरा दिखाओ, ये दुल्हन की तरह शर्मा रहे फिलहाल तो। तो अभी हमारा कोई सीन वैसे है नहीं, सीन बनाते हैं इंशाल्लाह, चलेंगे अब मैं सीधा बैठूंगा। तो भाई अभी हमारे पे सीन ऐसे है, इंशाल्लाह वो सीन मनाते हैं, फिर
फिर क्या भाई, लेके चलते हैं हम भी चलते हैं। तो कलेजी और नींबू पानी के बाद काफ़ी हैवी सीन्स हो रहे हैं। यहाँ के जो व्यूज़ हैं ना बड़े प्यारे हैं। क्या है? बड़े प्यारे हैं। आप देखें फिर बताएं हमें भी कैसे हैं। अभी तो खाली हम नहीं देखें। भाई फिलहाल तो हम लोग बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। उसके बाद जाना है हमें कहाँ पढ़ाने। यस वी स्टडी एंड टीच आल्सो। नॉट कमिंग स्लो ना, नॉट कमिंग स्लो, वेरी फास्ट कमिंग।